अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। बेसिकली आज का जो नाश्ता था ना, वो हम लोग जब रात को बाल टाउन गए थे ना, इससे उसके बाद का दिन है, तो हम लोगों ने बट कढ़ाई से जो ऑर्डर किया था वो हम लोगों ने पैक भी करवा लिया था। तो जो हमारे जो सालन बच गया था, ऑफकोर्स जो पैक करवाया था उसको हम लोगों ने गर्म करके खाया था, और जो रोटी थी बट कढ़ाई की वो भी हम लोगों ने गर्म करके खाई थी। अगर आप लोग रोटी को गर्म करके नहीं खाते सो आप एक अदद बर्गर है। एनीवेज, उसके बाद जी मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे लिए लेके आया था चीजी बंटीज और ये चॉकलेट लेके आया था, जो कि काफ़ी मज़े की थी और कलरफुल थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके मैंने अपने लिए बनाया था जी बनाना मिल्क शेक। चीनी की क्वान्टिटी को प्लीज़ ज़्यादा जज ना करना, क्योंकि मुझे मीठा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को ये बताती रहती कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। उसके बाद जी हमारा जो बनाना मिल्क शेक था वो भी तैयार हो गया था, यहाँ से थोड़ा सा गिर भी गया था तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। और हम लोग इतना बड़ा, आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा जग इसने कैसे पिया होगा, तो मैंने ये इन वन सिटिंग नहीं पिया था, ये मैंने अलग अलग करके अलग अलग टाइम पे पिया था। उसके बाद जी मेरा जो बड़ा भाई है उसने मेरे लिए सबके लिए मतलब बनाई थी जी पंजीरी बनाई थी, और पंजीरी जो होती है वो ड्राई फ्रूट्स और गुड़ की ही बनती है, ये ना कहना कि गच्चक जैसी होती है। गच्चक और पंजीरी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, और ये बहुत ही मज़े की थी। और जब ये मेरी मामा ने पहली दफ़ा बनाई थी ना, तो मैं जब मैंने इसको टेस्ट किया था मैंने कहा हाँ अच्छी है बस ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मुझे, और यहाँ पर जो मेरा छोटा भाई ना मुझे तंग कर रहा है। उसके बाद हमने उन्हें टीवी पे लगाया हुआ था जी छोटा भीम, हम लोग ज़्यादातर जो है वो डोरेमोन देखते, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों ने छोटा भीम क्यों लगाए हुए थे। और यहाँ पे जो मेरी छोटी बहन है वो छील रही है ग्रेप फ्रूट सबके लिए। और उसके बाद जो लाइट चली गई थी, हम लोग थे जो फारिग बैठे हुए थे, उस वजह से जो मेरी छोटी बहन है उसने बनाई थी जी फ्राइज़, लेकिन वो जानबूझ के मेरे ऊपर ना छींटे गिरा रही थी, लेकिन फिर भी मैं भी बड़ी ढीठ हूँ, मैंने छींटे नहीं गिराने दी और किसी ना किसी तरह वीडियो बना ही ली। और ये फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, और जब ये फ्राइज़ फ्राई हो गए तो मैंने साथ जो बनाना मिल्क शेक बनाया हुआ था वो ना थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैंने बनाया था, तो वो जी मैंने फ्राइज़ के साथ बहुत ही मज़े से पिया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था। और इसी तरह जब लाइट गई थी तो हम लोग इसी तरह टाइम स्पेंड कर लेते हैं कुछ ना कुछ बना के। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। खुदा हाफिज़।